बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक आदमी रेगिस्तान से कहीं जा रहा था। बहुत गर्मी पड़ रही थी, वो आदमी गर्मी से परेशान हो रहा था। वो आसमान की तरफ चिल्लाते हुए भगवान से बोला कि भगवान, तुमने यहाँ पर नदियाँ क्यों नहीं बनाई, ताकि ये जगह भी हरी भरी होती, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती। तभी उसे वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई दिया। वो उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आदमी उस रास्ते से अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन इससे पहले उसने वहां पर कभी कोई कुआं नहीं देखा था। वो भागते हुए कुएं की तरफ गया। वो कुआं पानी से पूरा भरा हुआ था। वो फिर आसमान की तरफ देखकर बोला कि अगर यहाँ पर एक बाल्टी और एक रस्सी होती तो मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा कर देता। तभी उसके सामने बाल्टी और रस्सी दिखाई दी। फिर उसने कहा कि मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा करने की कोशिश जरूर करता, अगर यहाँ पर किसी जानवर की सुविधा भी होती। तभी उसने पीछे देखा तो वहाँ पर एक ऊंट खड़ा था। अब उस आदमी के पास कोई बहाना नहीं बचा था, वो सिर्फ भगवान को दोष दे रहा था। हरियाली उगाने के लिए भगवान ने उसे सारे साधन दिए, लेकिन वह आदमी खुद से कोई मेहनत नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो रेगिस्तान से तुरंत चला गया। ठीक यही हम सभी के साथ भी होता है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हम या तो भगवान को दोष देते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को। किसी और को दोष देने के बजाय हमें खुद ही उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।